रेहान भाई ने जब मुझे वहाँ से बुलाया तो बोले कि मैंने इनको मैसेज किया कि मैं अंदाजे बयां वाला बोल रहा हूँ, मैं घबरा गया। मैं भगवान कसम घबरा गया, झूठ हाथ तक नहीं बोला है। जब गोप साहब सामने हों, जफर अली नकवी साहब हों, रेहान हैदर हों, तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? आप गलत समझ रहे हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैं भगवान कसम वो नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कह मैं वही रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। पर मैं घबरा गया। मैंने कहा गालिब साहब का फोन कैसे आ गया मेरे पास? मैंने कहा कि एक दिन पता तो कर लूं भाई, अंदाजे में और तो गालिब का था। अब रेहान भाई, तभी मैंने अगले दिन के लिए कहा, अगले दिन मैंने तस्दीक की, हाँ ये वही रेहान भाई है। तो फिर मैंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा। नहीं, हम समझे गालिब बुला रहे हैं हमें। भाई साहब नमस्कार। अरे हमारे DGP साहब भी बैठे, बहुत मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब आप DGP थे ना तारिक भाई, ये तो मैं बड़े बड़े काम इनसे करवा लेता था, बड़े बड़े काम, और छोटे काम मैं खुद निपटा लेता था। जैसे मैं बिना हेलमेट के पकड़ा जाता था तो मैं रिजवान भाई साहब को फ़ोन करता था, DGP साहब को, भाई साहब बिना हेलमेट के पकड़ा गया हूँ, ये छुड़वा देते थे। और जो छोटे काम थे, जैसे मर्डर वर्डर मैं करता था, तो मैं थाने से ही अपना निपटा लेता था, तब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया गया। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं। मैं लखनऊ में बहुत दिन बाद देख रहा हूँ कि लखनऊ यहाँ पर इकट्ठा है। और गोप साहब, लखनऊ का इकट्ठा होना ही हिंदुस्तान की खुशहाली का प्रतीक बन सकता है। आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। थोड़ा और वाह बढ़ानी है। हाँ, आप जैसे लोग अब मिलते नहीं हैं, इस महक के फूल अब खिलते नहीं हैं। अरे आप चलकर आ गए हैं, शुक्रिया, लोग तो भूकंप में हिलते नहीं हैं। आप चलकर आ गए हैं। अनीस अंसारी साहब सलाम करते हैं। सारे लोग मेरे परिचित हैं, तो मुझे कोई चिंता भी नहीं है मैं हिट होऊंगा कि नहीं होऊंगा। अच्छा, बाकी सब लोग ये चिंता कर रहे हैं हिट होंगे कि नहीं होंगे, मैं बिल्कुल चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रेहान भाई हमें पहली बार मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी बार नहीं बुलाएंगे है कि नहीं? तो मैं, मुझे बहुत याद है, सब बहुत बड़े बड़े लोग मुजफ्फर अली साहब बैठे हैं। मैं यहाँ आ रहा था मुशायरे में, तो एक लगभग 78 साल के व्यक्ति वो बाहर मिले हमको। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लखनऊ की लताफत हो तो फिर ठहाके गूंजने चाहिए बात जब ख़त्म हो। तो बाहर मुझे मिले लगभग 78 साल के तारिक भाई, तो उन्होंने कहा कि सर्वे साहब आप अंदर जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। बोले मुजफ्फर अली साहब आज आएंगे वहाँ पर, उनसे मेरा एक मैसेज कह दीजिएगा। हमने कहा क्या मैसेज है? बोले मैंने वो उमराव जान में रोल किया था, उसका पैसा मुझे आज तक नहीं मिला है। तो जुड़े रहिएगा, अगर आनंद आए तो फिर तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि मैं तो इसीलिए बुलाया जाता हूँ, मुझसे शायरी वायरी की तवक्को करनी नहीं किसी है कि नहीं? तो हमने कहा अच्छा, आपने क्या रोल किया था? बोले वो जो रेखा ने जो मुजरा किया था, उसमें मैं मुजरा देखने वाला बना था। तो हमने कहा कितनी आपकी फीस थी? बोले उस समय शायद 500 होगी। हमने कहा निकलिए यहाँ से। हमने कहा निकलिए, रेखा का मुजरा देखोगे, ऊपर से पैसा भी मांगोगे, शर्म नहीं आती? तो एक बार खुल के तालियाँ बजाइए। अभी मनीषा ने बहुत प्रेम का सुनाया, ये सब इतने बढ़िया बढ़िया लिखते हैं, कैसे लिख लेते हैं तो यही नहीं समझ पाते। अच्छा कहाँ से निकाल लाते हैं, हमको समझ ही नहीं पाते। मैं सोचा करता हूँ कि मैं भी अच्छी शायरी करूँ, लेकिन हो ही नहीं पाता, मेरी ऐसी बनती है। सुनिए आप।
अगर उसमें गजल दिख जाए तो पैसे वापस। हाँ, बस मुस्कुराहटें मिलनी चाहिए। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए। थोड़े जो मेरी तरह जवान है वो वाह-वाह करें, और मुजफ्फर अली साहब जैसे जो जवान है वो मुझको अगली फिल्म में साइन करने की सोचे। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए। देखिए क्या रोमांटिसिज्म मैं खींच रहा हूँ, क्या मंजर कशी कहते हैं ना उर्दू में इसको, तो क्या चित्र खींच रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ तुम मिलो कुछ बात हो जाए, घिरे बादल घने से और फिर बरसात हो जाए, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं, मैं तुमको साथ लेकर कार से जब घूमने निकलूं कि पंचर हो सभी टायर वहीं पर रात हो जाए। अब बताइए मतलब है कि नहीं, दम है दादा कि नहीं है कि नहीं। इकबाल असर साहब सोच रहे हैं कि क्या यार लाहौल विला को बोलते हैं। ये लोग अच्छे शायर हैं, ये अच्छे शायर हैं। मैं अच्छी शायरी सुनाने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। जलाले शम्मा से, देखिए ये जो पहला शेर है ये आपको लगेगा कि सर्वेश अस्थाना कह सकता है, सुनिएगा। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। देखिए मुस्कुराते हुए बात कह रहा हूँ, अगर ठीक लगे तो ताली बजा दीजिएगा, नहीं कर कुछ नहीं पाओगे आप हमारे। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, और सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है। मेराज भाई, जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आगे और अच्छा शेर सुनाने वाला है, अब सुनिए। तुम्हारी झील सी आंखों में, तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। तुम्हारी झील सी आंखों में मुन्ना लाल दिखता है, तुम्हारा इश्क दो कौड़ी मगर अफसाना बेहतर है। जिससे हमारा इश्क परवाह नहीं चढ़ पाता, हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। ये शेर वो कहना चाहता है, शायर ये कहना चाहता है। अगला शेर देखिए, जो ये यूथ बैठा है उसके लिए चिराग ने कहा पता नहीं क्या क्या निकाले, गजब लिखते भाई। इजहारे इश्क के दौरान, इजहारे इश्क लखनऊ के लोग जानते हैं, अभी वो कह रहे थे आँखों से बात कर लेते हैं। बात आँखों से होती नहीं, आँखों से सिर्फ देखा जाता है। हमने कभी आँखों से बात करने की कोशिश भी कभी कर ही नहीं पाए, हमेशा मुझे बात करनी पड़ी। सही, और बात करने से ही बात बनती। तो इजहारे इश्क के दौरान ये अगर शेर बहुत अच्छा बन पड़ा हो तो सारा यूथ ताली बजाए, और जो भूतपूर्व यूथ है वो भी बजाए, लेकिन अमल ना करे इस पर। जलाले शम्मा से तो हिम्मते परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। इजहारे है कि नहीं सर? नकवी साहब मैं सही कह रहा ना सर? इजहारे इश्क के दौरान आ जाएं अगर पापा, वहां पर रुके रहने से तुरंत टल जाना बेहतर है। और एक बात और कहना चाहता हूं, अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी को उर्दू में रकीब कहते हैं, उर्दू में क्या हिंदुस्तानी में रकीब कहते हैं। अगर मालूम हो बैठा है, इससे बड़ी शिक्षा मैं नहीं दे सकता। जो पॉलिटिक्स के लोग यहाँ बैठे हैं ये मैं उनको नजर करता हूँ। अगर मालूम हो बैठा है पहले से ही प्रतिद्वंदी, वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। वहां पर आज जाने से वहां कल जाना बेहतर है। और ये आखिरी शेर में कहता हूँ कि ये न तो गालिब साहब कह पाए, न मीर साहब कह पाए,
और हमारे सदर मोहतरम तो सोच भी नहीं सकते कहने। अब उनकी इजाज़त से, उनके कदमों से गुजरते हुए मैं ये शेर कहता हूँ। शेर क्या कहता हूँ, मतलब मैं तो तुकबंदी करता हूँ, शेर वेर तो शायर करते हैं। तो जलाले शम्मा से तो हिम्मत, ये पहले पढ़ना पड़ता है जिससे उसकी बहर फिर से जुड़ जाए। जरा जलाले शम्मा से तो हिम्मत परवाना बेहतर है, सुलगती जिंदगी से तो सदा जल जाना बेहतर है। इस संसार का, अदब की दुनिया का सबसे महान शेर। नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता, कभी झूठ बोला ही नहीं है। सुनिएगा, है शर्मा भी तेरा आशिक। आज तक बताइए मीरो गालिब अपनी शायरी में शर्मा लाए? मैं लाया है, मैं पायनियर हूँ इसका, मैं हेराल्ड हूँ इसका। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू। अगर शेर अच्छा बन पड़ा हो और लखनऊ की मस्ती दिखाई पड़े तो फिर लखनऊ बताए कि लखनऊ हमेशा मस्त रहता चाहे जो हो जाए। है शर्मा भी तेरा आशिक, है वर्मा भी तेरा मजनू, मगर इन दोनों लोगों से मुआज थाना बेहतर है। आज बड़ी घबराहट मुझे हो रही, मैं बहुत घबराहट हो रही थी। इतनी बड़ी टीम के साथ मैं बहुत दिन बाद बैठा। हिंदी कवि सम्मेलन में 5 कवि बुलाए जाते हैं, मुशायरे में अच्छा चूंकि सुनने को मिल जाता है तो ज़्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है, और हम जैसों को बड़ी घबराहट होती है। तो आज मैं अपनी स्थिति जंगल के बंदर की तरह महसूस कर रहा हूँ। सही भगवान कसम, क्या था, शेर जंगल का राजा था। जुड़ना बस 5-7 मिनट और रहूँगा, क्योंकि मुझे वसीम बरेलवी साहब तक हम लोगों को पहुँचना है। ये कहा जाता है, लेकिन ये कहने के बाद फिर आदमी 50 मिनट खड़ा रहता है माइक पर, हमेशा कहेगा हमें सदर मोहतरम तक पहुँचना, फिर खूब देर तक खड़ा रहता है। और मुझे आज अपनी स्थिति जंगल के बंदर जैसी महसूस हो रही। क्या था, शेर जंगल का राजा था। जब देखो तब शेर राजा, जिधर नजर जाए तो शेर ही राजा। तो जंगल वाले ऊब गए, तो जंगल वाले ऊब गए, बोले यार एक ही राजा है, एक ही सत्ता है, मोनोटोनी हो गई है, बदलाव करो। बोले क्या बदलाव करें? बोले राजा बदलो। तो किसको राजा बनाए? बोले जो खूब एक्टिव हो उसको राजा बनाओ। तो बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। मैं आपकी तरफ कुछ नहीं कह रहा हूँ, बंदर को जंगल का राजा बना दिया गया। बंदर जंगल के राजमहल में रहने लगा। 20-25 दिन के बाद एक बकरी रोती हुई आई और बोली राजा साहब, शेर ने हमारे बच्चे को पकड़ लिया है, आप चलो बचाओ चल के। बंदर बोला हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं बचाएंगे। बंदर पहुंचा, देखा शेर बच्चे को दबाए हुए पेड़ के नीचे बैठा है। बंदर दौड़ा, लपक के पेड़ पे चढ़ गया, एक डाल से कूदा, दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे, छठी पे। तो बकरी और जोर जोर से रोने लगी, बोली राजा साहब जल्दी बचाइए नहीं तो शेर हमारे बच्चे को खा जाएगा। मैं इस कहानी को कविता में नहीं बदल पाया इसलिए यूं सुनाता हूँ। बोला जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। अब बंदर का जवाब और राजनीति, अगर दोनों जुड़े हुए नजर आए तो भरपूर तालियां लखनऊ वाले बजाएंगे। अभी नहीं, अभी एडवांस नहीं, अभी तो जल्दी बचाइए नहीं तो शेर बच्चे को खा जाएगा। तो बंदर बोला देखो बकरी, तुम्हारा बच्चा बचे या न बचे, हमारी भागदौड़ में कोई कमी हो तो बताओ। तो हमारी भागदौड़ में कोई कमी नहीं। मैं व्यंग्य का कवि हूँ, ये तो सब मस्ती करने के लिए होता है। मैं व्यंग्य की एक आध छड़िका सुनाता हूँ, और ये सच बात है कि लखनऊ मुझे बहुत मोहब्बत करता है, और लखनऊ में जब भी कोई बड़ा मुशायरा या कवि सम्मेलन होता है तो मुझे शामिल किया जाता है। मैं कभी ये नहीं समझ पाता कि मैं सुनाऊँ क्या, क्योंकि मैंने जितना लिखा है मैं सब सुना चुका हूँ। अच्छा, आप लोगों का हाफिजा इतना बेकार है, यानी याददाश्त, आप लोग सब भूल जाते हो। अब फिर हम वही पुराना सुना देते हैं, आप उतने ही खुश हो लेते हो, या हो सकता है मेरा मन रखने के लिए खुश होते हो, ये एक बात है। लेकिन लखनऊ महज गुम्बदो मीनार नहीं, लखनऊ महज कूचो बाजार नहीं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं, इसके गुलशन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं। तो ये मोहब्बत है, ये हमारे लखनऊ की मोहब्बत है। ये फोटो मेरी खींची, मैं एक सच्ची घटना आपको बता दूं, 14 साल पुरानी घटना है। मैं झूठ कभी नहीं बोलता, भगवान कसम झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा हमीरपुर में और बांदा में कवि सम्मेलन मुशायरा था, बिल्कुल सच्ची घटना, 12-14 साल हुए। तो 2 दिन था, पहले हमीरपुर में था फिर बांदा में था। तो हमीरपुर में जब मैं कविता पढ़ रहा था तो मेरी फ़ोटो ऐसे खींची, और सवेरे जब अखबार आया तो कविता पढ़ते हुए मेरी फ़ोटो थी।
तो साथ में जो कवि लोग थे वो अंदर अंदर तो खूब जले होंगे, लेकिन ऊपर से खुश होते बोले सर्वेश तुम्हारी फोटो छपी है, अब तुम मिठाई खिलाओ। भगवान कसम सच्ची घटना है। तो हमने कहा हाँ दादा खिलाएंगे, क्या खाएंगे? बोले सवेरे का टाइम है, जलेबी खिलाओ। हमने कहा हम खुद जाएंगे लेने। मैं हमीरपुर में वही बाजार, छोटा सा शहर है, पहुँचा तो हलवाई की दुकान पर मैं जलेबी खरीदने के लिए पहुँचा। मेरे आगे एक लड़की खड़ी थी 22 साल की लगभग, और मैं 23 साल का था। मैं उस पर नज़र रखे हुए था, मतलब बड़ों को छोटों पर नज़र रख दीजिए, इसलिए रखे थे। आप लोग हमेशा गलत समझते हैं, हमेशा गलत समझते। तो मैं उस पर नज़र रखे हुए था। उस लड़की ने 100 ग्राम जलेबी खरीदी, बिल्कुल सच्ची घटना है, 100 ग्राम जलेबी खरीदी। मैंने देखा हलवाई ने अखबार के उसी पन्ने पर जलेबी दी जिस पर मेरी फोटो छपी हुई थी। उस लड़की ने जलेबी खाई मुजफ्फर सर, और अपनी वो कागज़ का टुकड़ा फेंक दिया वहाँ पर। मैं खड़ा था, दूर एक कुत्ता खड़ा था, उस कुत्ते ने उस कागज़ को देखा, फिर मेरी तरफ देखा, बिल्कुल सच्चे, फिर उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, और अगले पल ही मैं देख रहा था मेरा मुंह कुत्ता चाट रहा है। तो ऐसा ना होने का, मैं पता नहीं क्या सुनाने जा रहा था। मैं एक क्षणिका सुनाता हूँ, व्यंग की बात करता हूँ। हम लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ में एक विधानसभा मार्ग है, आप लोग जानते हैं। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं, बहुत ध्यान से जुड़े रहिएगा, मैं हमेशा अच्छी बात ही कहूँगा। विधानसभा मार्ग उस सड़क को कहते हैं जिस पर विधानसभा बनी होती है। जिस सड़क पर विधानसभा नहीं होती उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। इसमें छुपे व्यंग्य समझिएगा, सिर्फ उसमें उसको महात्मा गांधी मार्ग कहते हैं। तो विधानसभा चुनाव भी गुजरे हैं तो बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, कभी कोई नेता मिल गया, कभी कोई डॉक्टर मिल गया, कभी कोई फिल्म मेकर मिल गया, कोई मिल गया। अभी इलेक्शन के पहले मुझे उस पर विधानसभा मार्ग पर एक गिरगिट मिला। नहीं मिला, क्यों नहीं मिल सकता है? क्या उसको विधानसभा या उसके अंदर जाने का अधिकार नहीं है क्या? है, उसको भी है। तो उससे मैंने छोटी सी बात की, और देखिए पॉलिटिकल सटायर कैसे सलीके से तो नहीं है खैर, लेकिन है। गो भाई, आप हमको बिल्कुल, आप मेरे दोस्त हैं, देखिए कुछ आप कुछ कहिएगा मत हमें। तो लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर इधर से उधर जा रहे गिरगिट नरेश से हमने पूछा। नरेश माने राजा, गिरगिटों का राजा। मैं हरदोई ज़िले में रहता हूँ, बहुत संभल के रहता हूँ, मैं संभल के रहता हूँ। लखनऊ के विधानसभा मार्ग पर इधर से उधर और उधर से इधर और फिर नरेश माने राजा होता, मैं किसी की तरफ लेके ना, गिरगिट नरेश से हमने पूछा, गिरगिट जी बता सकते हैं? जुड़ना लखनऊ पूरा जुड़े, लखनऊ उस शहर का नाम है जहाँ मतलब तंस जो है बड़े सलीके से होता है, लेकिन आज सलीका थोड़ा सा कठोर हो गया है। हमने कहा गिरगिट जी बता सकते हैं, अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? तुलनात्मक का मतलब द कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन द टू। अंग्रेजी में इसलिए कहा कि पढ़ा लिखा हूँ। अब अपने और दल बदलू नेता के बीच आपसी संबंध को तुलनात्मक रूप से समझा सकते हैं? गिरगिट बोला, अस्थाना जी, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है। तैयार हो जाए मेरे मित्रगण, किसी गिरगिट की दल बदलू नेता से तुलना करना महापाप है, क्योंकि रंग बदलने के मामले में नेता गिरगिट का बाप है। आखिरी झणका और सुना देता हूँ, फिर मैं उधर बैठता हूँ। कभी कभी आप सोचो कुछ हो कुछ। हाँ, हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए। भगवान कसम सच्ची घटना है। अगर मैं यहाँ सांसद का इलेक्शन लड़ूं तो मुझे 4-5 वोट तो मिल ही जाएंगे जो ऊपर बैठे। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। बदली हुई परिस्थिति। हम अपने मित्र दरोगा जी के घर गए, देखा दरोगा जी मर गए। हमने उनकी पत्नी से पूछा, भाभी जी दरोगा जी कैसे मर गए?
क्या रस्सी से लटककर आत्महत्या कर गए, या फिर कोई जहर पिया था, अथवा कोई एसिड लिया था, या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था। कोई जहर पिया था अथवा कोई एसिड लिया था या फिर कोई जहरीला पाउडर फांका था, वो बोली भाई साहब ना ही ये रस्सी से लटक कर मरे हैं, ना ही कोई जहर पिया था, ना ही कोई एसिड लिया था, ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, साहिल साहब ना ही कोई जहरीला पाउडर फांका था, लेकिन लाख मना करने के बावजूद कल शाम अपने गिरेबान में झांका था। बहुत बहुत शुक्रिया।